इस वीडियो में सीखेंगे आप बहुत ही सरल तरीके से मास्क बनाना, और इसमें मैं आपको ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आप बच्चों से लेकर बड़ों की साइज तक के लिए बड़ी आसानी से मास्क को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको दो कपड़े लेना है, अपनी पसंद के आप दो कपड़े ले लीजिए। और कपड़े में कटिंग करने से पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग करना बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज की बड़ी आसानी से बना सकें। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कपड़े की साइज के हिसाब से ही हमने दो पेपर ले लिए हैं, इसी तरह आपको दो पेपर लेना है। तो अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। चौड़ाई में लेना है आपको 7 इंच और लंबाई में लेना है आपको 11 इंच। तो इस तरह आपको पेपर के दो पीस लेना है, आप चाहें तो न्यूज पेपर के भी ले सकते हैं। तो उसके बाद इस पेपर को पकड़िए और लंबाई की साइड से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह आपको लंबाई की साइड से इसको फोल्ड करना है, उसके बाद बीच सेंटर से पकड़ना है और इसको फिर पलट देना है। तो ये हो गया है 4 लेयर में। इस तरह आप इसको पलट कर रखिए। उसके बाद एक निशान लगाना है आपको नीचे की साइड से, जहां से चारों साइड से ओपन है उस साइड आप पहले निशान लगा लीजिए 1.5 इंच का। यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा दीजिए। तो जहां पे बंद साइड है वहां पे भी आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो इस तरह आप 1.5 इंच चेक कीजिए और यहाँ पे निशान बना लीजिए। अब आपको इस निशानों को मिलाना है, तो इस तरह हम इसको मिला देंगे। इस तरह सीधा मिला दिया है और इधर से इसको मिला दिया, ठीक है। इस तरह आपको मिलाना है। अब यहाँ पे आपको गोलाई का शेप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि गोलाई का शेप इस तरह जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे गोलाई दे दीजिए और फिर आपको यहाँ से गोलाई देना है इस तरह, और बस इस तरह मिला दीजिए। अब आपको इसी निशानों के ऊपर कटिंग करना है। अच्छे से दबाकर पकड़िए और बस इसको काट लीजिए। तो इस तरह आपको इसको काट कर निकालना है। उसके बाद इसके बीच के जॉइंट को खोल दीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 पीस एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको ये 4 पीस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए हो गया जैसे बड़ी साइज के लिए, तो यहाँ पे मैंने एल बना दिया है। ए हो गया लार्ज साइज के लिए, मतलब बड़ी साइज के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें कटिंग करनी है मीडियम साइज के लिए, तो यहाँ पे बना देंगे हम एम, ठीक है। ए हो गई मीडियम साइज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच के हिसाब से पेपर को काट कर निकालना है। ये नीचे की साइड से 1/2 इंच और इधर से निकालेंगे हम 2 पॉइंट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका मीडियम साइज के लिए। तो ये हो गया है मीडियम साइज के लिए। अब बनाएंगे हम स्मॉल के लिए, ठीक है। तो अभी तीसरा पैटर्न उठा लिया है, अब इसके बराबर से पहले इसकी सेटिंग कर देंगे। पहले आपको बराबर से सेटिंग करना है। तो अभी ये मीडियम साइज के हिसाब से, अब इस मीडियम वाले को हटा दिया है और यहाँ पे 1/2 इंच के हिसाब से इसकी लंबाई को फिर घटा देंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल साइज के लिए, और यहां से घटाएंगे हम सिर्फ 2 पॉइंट के हिसाब से। ये हो गया है स्मॉल के लिए। तो अब हमें निकालना है स्मॉल से भी छोटी साइज के लिए। तो पहले इसके बराबर से इसको निकालेंगे। तो इसकी बराबर से निकालने के बाद इसको साइड से रख देंगे और यहाँ पे 1/2 इंच कम कर देंगे, और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट के हिसाब से कम करते जाना है। तो इस तरह स्मॉल से भी छोटी साइज की कटिंग हो जाएगी। इस तरह आपको छोटी साइज से बड़ी साइज तक के लिए कटिंग मिल जाएगी, और आपको किसी नाप को भी याद नहीं रखना पड़ेगा। बस आप एक बार पैटर्न बना लीजिए, फिर आपको बस पैटर्न उठाना है, कपड़े को 4 लेयर में रखना है, और बस इस तरह रखते जाएंगे और पैटर्न से कटिंग करते जाएंगे। इस तरह आप हजारों मास्क की कटिंग बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इलास्टिक आपको कैसे निकालनी है। तो बड़ी साइज से हम शुरू करेंगे, ठीक है। बड़ी साइज के लिए लेना है आपको 8 इंच की इलास्टिक। इस तरह आप 8 इंच पर निशान लगा लीजिए और इसको डबल कर लीजिए।
तो आपको एक मास के लिए इलास्टिक मिल जाएगी। ये इलास्टिक हो गई है बड़ी साइज के लिए। अब निकालेंगे मीडियम साइज के लिए। तो मीडियम साइज पे आपको 7 इंच पर चेक करना है और यहाँ पे निशान बना लेना है। इसको डबल कीजिए, आपको मिल जाएगी इलास्टिक मीडियम साइज के लिए। अब निकालनी है स्मॉल साइज के लिए, तो यहाँ पे 6 इंच चेक कीजिए और निशान बना लीजिए और इसको भी डबल करना है आपको और काट के निकाल लेना है। ये हो गई स्मॉल साइज के लिए। अब इलास्टिक निकालनी है आपको उससे भी छोटी साइज के लिए, तो यहाँ पे 5 इंच की निकालना है। इस तरह चेक किया और यहाँ पे निशान बना लिया और इसको डबल करते हुए आपको काट लेना है। इस तरह आपको हर साइज के लिए इलास्टिक मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि एक एक उठाना है सेफ्टी पिन और इसमें इसको मिलाते हुए रख देना है। तो इलास्टिक को पकड़ेंगे और इस तरह इसको रख देंगे। अब जब भी आपको जिस साइज का मास्क बनाना है बस इस तरह उठाते जाइए और कपड़े के ऊपर रख कर इसको निकालते जाइए। तो इस तरह आप एक बार पैटर्न और इलास्टिक को तैयार करके रख लीजिए, जिससे आपको बार बार नाप याद नहीं रखना पड़ेगा और आसानी से आपका मास्क तैयार हो जाएगा। बस आपको पैटर्न उठाना है, कपड़े के ऊपर रखना है और इसकी कटिंग करना है। तो चलिए अब मैं आपको कपड़े पर तैयार करना बता देती हूँ। अब हम कपड़े को उठा लेंगे और मीडियम साइज का पैटर्न उठा लेंगे और इसको साइड से रख देंगे। तो एक कपड़ा डबल में रखा हुआ है, इसको आपको 20 सेंटर से पकड़ना है और पलट लेना है। इस तरह आप इसको डबल में रख लीजिए। अब पैटर्न उठाना है और इसके ऊपर इसको मिलाकर रखना है। इस तरह मिलाकर रख लीजिए और जैसे पैटर्न की कटिंग है वैसे ही आप इस पे निशान लगा लीजिए। और सेम काट के निकाल लीजिए। अच्छे से दबा के रखना है आपको, जिससे ये हिले नहीं, और बस इसकी कटिंग करना है। इस तरह आपकी आसानी से मास्क की कटिंग हो जाएगी। अब आपको बस इसके एक एक पीस को उठाना है। इस तरह एक इसका पीस और एक इसका पीस इस तरह निकाल लीजिए और इसको जॉइंट कर दीजिए। इस तरह मिलाकर रखना है और यहाँ पे सिलाई डाल दीजिए। तो बस इस तरह आप निशान बनाइए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद इसको खोलिए और एक बीच में सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको कपड़े को एक साइड करते हुए इसकी किनारे से सिलाई डालनी है। बस इस तरह कपड़े को करते जाइए और इसमें एक सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह सिलाई आपको इसमें भी डालना है। तो इस तरह आपको इसमें किनारे से सिलाई डालनी है। इसी तरह सिलाई हमने इसमें भी डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि एक को इस तरह रखना है सीधा और दूसरे को उल्टा रखना है। बस इस तरह आपको मिलाकर रखना है। तो इस तरह आप अच्छे से इसको मिलाकर रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह मिलाते जाना है और सिलाई को डालते जाना है। इस साइड डालना है सिलाई आपको और इस साइड, ठीक है। तो इस तरह आप मिलाते हुए दोनों साइड सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको दोनों साइड इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद यहाँ पे कट लगाना है, तो 2-3 दिन यहाँ पे कट लगा दीजिए और इस कपड़े को थोड़ा सा काट कर निकाल दीजिए। इस तरह कट लगाइए और इसको पलट दीजिए। तो इस तरह आप इसको अच्छे से सीधा कर लीजिए। उसके बाद इसमें प्रेस लगा लीजिए, जिससे इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और प्रेस करते समय ही आप इस कपड़े को 1/2 इंच अंदर की साइड कर दीजिए। इस तरह कपड़े को इस तरह पलट दीजिए और इसमें प्रेस कर लीजिए। दोनों साइड आपको इसी तरह करना है। तो इस तरह आप इसमें प्रेस कर दीजिए और 1/2 इंच कपड़े को अंदर की साइड कीजिए। उसके बाद उठाना है आपको इलास्टिक और इसमें 1/2 इंच के हिसाब से निशान बना लेना है।
इस तरह आप निशान बना लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि इतना ही इलास्टिक आपको इसके अंदर डालना है इस तरह। और इलास्टिक को इस तरह सीधा पकड़ते हुए इस साइड डाल दीजिए, इस तरह कॉर्नर से मिलाइए और बस इसमें सिलाई डाल दीजिए। और सिलाई डालते समय आपको यहाँ पर टांकी बांधना है दोनों साइड, जिससे इलास्टिक आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह आप इलास्टिक को इसमें ज्वाइंट कर दीजिए और मास्क बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।